पंजाब के रुझानों में आपको बहुमत मिलने पर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी को किसने हराया। मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में नौकरी करने वाले ने उन्होंने कहा कि भदौर से चन्नी को हराने वाले आप प्रत्याशी लाभ सिंह अगोले की माँ एक सरकारी स्कूल में सफाईकर्मी और उनके पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। सपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलने के बीच अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि अंतिम परिणाम तक सावधानी बरते। पार्टी ने कहा सतर्कता में कोई कोताही न बरसते, अभी भी 60% मतों की गिनती बाकी और 100 सीटों का अंतर अभी भी 500 वोटों के आसपास है। पूर्व विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं। घोसी सीट पर पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी विजय राजभर से पीछे हैं। ताज़ा चुनावी रुझानों में नुक्कड़ सीट से पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी अपने निकटतम प्रत्याशी बीजेपी से आगे हैं। ताज़ा रुझानों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन 260, सपा 126 और बसपा 6 सीटों पर आगे चल रही। पंजाब में आप 80-90 सीटों और 13, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल 9 और बीजेपी 5 सीटों पर आगे। उत्तराखंड में बीजेपी 45 सीटों और कांग्रेस 21 सीटों पर। गोवा में बीजेपी 18 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना की शुरुआती रुझानों के बीजेपी गठबंधन में बढ़त के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर आगे चल रही, वहीं सपा गठबंधन 104 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा 7 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ताज़ा रुझानों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि गोवा में बहुमत के करीब है। वहीं पंजाब में ताज़ा रुझानों में आपने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया। बीजेपी यूपी के करीब 266, उत्तराखंड में 45, गोवा में 20, जबकि पंजाब में आप 88 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी 168 सीटों के साथ आगे चल रही थी और 117 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 54 सीटों पर आप आगे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी 30 सीटों पर जबकि कांग्रेस 25 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं गोवा में बीजेपी 11 सीटों पर जबकि मणिपुर में बीजेपी 8 सीटों पर आगे है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और करहल से सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सिराथू श्री मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा और पूर्व मंत्री आजम खान रामपुर से PSPL प्रमुख शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से आगे, जबकि बीजेपी से सपा में आज स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर पीछे चल रहे हैं। पंजाब राज्य चुनाव के रुझानों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साखली और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हिनगंग सी से आगे चल रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चिन्नी चमकौर साहिब और भगदौर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह सामी खतिमा सीट पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलने के बीच सपा ने ट्वीट किया, सभी समाजवादी अपने सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है कि टीवी पर दिखाए जा रहे रुझानों पर ध्यान न दें। पार्टी ने कहा अपने अपने बूथों पर डटे रहें, अंत में लोकतंत्र जीतेगा और परिणाम सपा गठबंधन के पक्ष में होगा। प्रमुख चुनाव आयोग सुशील चंद्रा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का अच्छा सुझाव है, लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव की जरूरत होगी और इस पर संसद में फैसला होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है और सभी चुनाव एक साथ कराने में सक्षम है। अकौल चंद्रा, संविधान के अनुसार सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है और देखते हैं कौन जीतता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।